नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां प्रीता की मुलाकात होने जा रही है ऋषभ और करण से। जी हां दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में दिलचस्प मोड़ आ चुका है। जहां पर बात की जाए करण की, तो करण के साथ में प्रीता की भेंट होने जा रही है। हालांकि किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जिस तरीका से एड्रेस मिला है यहाँ से पुलिस स्टेशन से यहाँ का, तो इनको लग रहा है कि ये इन्हीं के बेटे हैं। लेकिन दोस्तों प्रीता और बात की जाए ऋषभ और इधर करण, तीनों की अब एक दूसरे के साथ में मिलन होने जा रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए और भी घना दिलचस्प ट्विस्ट लेकर आने वाली है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बोलती हुई नजर आने वाली है प्रीता की, मैं आप लोगों को नहीं जानती, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी याददाश्त में दिक्कत हो पड़ी है। लेकिन दोस्तों जल्दी ही पूरी कहानी सॉल्व होती हुई भी नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों दिक्कत ये हो चुकी है कि अभी प्रीता को कुछ याद नहीं है, लेकिन ऋषभ और करण तो उस चीज़ को जानते हैं। बात की जाए सौर्या की, तो सौर्या को छुड़ाने के लिए ही इस घर तक आए थे। हालांकि राजवीर की बात की जाए तो राजवीर और प्रीता इस चीज़ की इजाज़त देते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जल्दी ही अगेन कम बैक जो हो रहा है, आखिरकार सृष्टि आएगी मुंबई और मुंबई आने के बाद में असली लूथरा परिवार से बदला जो लेगी वो एक बार फिर से सृष्टि लेने जा रही है, क्योंकि सृष्टि ने बोल दिया है कि वो घाव आज भी भरा नहीं है जो घाव तुम लोगों ने हम लोगों को दिया है। और ये एक रियलिटी है दोस्तों कि जो अभी तक हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा घिनौना हुआ है। आखिरकार उस चीज़ को ये लोग कहाँ तक छुपाते हुए नजर आएंगे, ये वाकई में दोस्तों देखने लायक दिलचस्प विषय बन चुका है। बात की जाए इस वक्त की, तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है प्रीता के लिए कि प्रीता की जल्दी ही याददाश्त भी आती हुई नजर आने वाली, क्योंकि धीरे धीरे ही उसे कोई कोई सीन याद भी आता है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई।